नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज बसपा का एक और एपिसोड हो गया। बसपा के दो नेता सतीश चंद्र मिश्र और उमा शंकर, ये दोनों लोग प्रातः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए। काफी देर चर्चा हुई, जैसे ये खबर आई तो मीडिया में सुर्खियां बटोरी गई और तरह तरह के कयास भी लगाए गए। बाद में आया कि नहीं नहीं वो ये दोनों नेता इसलिए गए थे कि मायावती के जो स्मारक है उनके हाल बहुत खराब हो रहे हैं, बदहाली हो रही है, बड़ी दयनीय स्थिति है। तो मुख्यमंत्री से कहने गए थे कि भाई आप देखिए जरा और इनकी स्थिति को ठीक कराइए, इनका मेंटेनेंस वगैरह कराइए। और कहा तो ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े उदारता के साथ, बड़े सम्मान के साथ ये बात स्वीकार की कि हाँ हाँ आप लोग आए हैं और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, और उन्होंने उस समय दिशा निर्देश भी दे दिए। लेकिन सियासत कुछ गर्मा गई और गर्माने के साथ में जब मायावती को लगा कि अब तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले यही कहा कि मुझे मालूम था कि इस तरीके की चर्चाएं शुरू होंगी, लेकिन सतीश चंद्र जी को और उमा शंकर को मैंने ही अपनी चिट्ठी के साथ भेजा था और ये कहा था कि जो स्मारक हैं तो सपा के शासनकाल में तो बहुत बुरे हो गए थे, बड़े बुरे हालात थे, लेकिन अभी भी उनके हालात ठीक नहीं है, इसलिए उनको सुधारा जाए। लेकिन सच बात तो यह है कि राजनीति होने लगी। अब मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, और कहा क्या, सपा पर गंभीर हमला कर दिया, कहा कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती हूं, मैंने सपना देखा है सीएम का और पीएम का, और उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है अपने वोटर्स पर, दलित मुस्लिम एकजुट हो जाएगा, हम सीएम बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने अखिलेश का पीछा नहीं छोड़ा, बड़ी गंभीरता के आरोप लगाए और कहा कि इन्होंने ऐसा हिंदू मुस्लिम किया कि बीजेपी दोबारा सत्ता में चली आई। और उन्होंने भी कहा कि अब अखिलेश मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि मायावती यहां से जाए, राष्ट्रपति बन जाए और मेरा रास्ता साफ हो जाए और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तरह तरह की आरोप लगाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति की बात कहां से आ रही है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की बात अखिलेश ने की और कहा कि अब तो बसपा का पूरा वोट मिल ही गया है भाजपा को, तो ऐसी स्थिति में इन्हें राष्ट्रपति तो बनवाई दीजिए। इसके माने कि क्या एक सपा जो कह रही है कि बसपा और भाजपा में एक डील थी जिसके कारण सपा हाशिए में चली गई। हालांकि मायावती ने भी कहा कि सपा और भाजपा की बड़ी मिलीभगत भी रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जानने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में मायावती सरकार की जो स्मारक है उनकी बदहाली है, इसके लिए गए थे सतीश चंद और उमा शंकर या कुछ और पक्ष था, और क्या वास्तव में 2022 के चुनाव में मायावती और बीजेपी के बीच में कोई ढील थी, क्योंकि कई बार मायावती ने यह तो कहा कि हमको सपा को हराने के लिए अगर बीजेपी को भी साथ देना पड़ेगा तो हम देंगे। आज इसी की चर्चा और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं, हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से शिव प्रसाद सोनकर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं सपा के विजय सागर जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और कांग्रेस से है इंजीनियर अंकित, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले श्री प्रसाद जी, आपकी
और मायावती की डील रही, माने बीजेपी की डील रही, सारा बसपा का वोट आपको चला गया। तो अब आगे क्या हो रहा है? राष्ट्रपति की बात आ रही थी जैसा अखिलेश ने कह दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? रही डील की बात, तो कोई डील की बात ऐसी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से काफी समय से दलित बड़ी आशा की तरफ से देख रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 वर्षों में, बल्कि 6 वर्षों में जो कार्य किए दलित समाज सभी, बल्कि हर समाज के लिए, जो पार्टी कही जाती थी कि यह अगड़ों की पार्टी है, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ने पिछले कोरोना काल में लोगों को जो मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त अनाज एवं भोजन तक की व्यवस्था कराई, इससे दलित समाज के लोगों ने देखा कि हमारा कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिली उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में। और ये बहन जी और सपा के लोग कह रहे हैं कि इनकी डील हो गई, उनकी डील हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की जीत है। लेकिन शिवपाल जी, ये भी जरा हमको समझाने की कोशिश कीजिए कि आप कह रहे हैं कि कोई डील नहीं है, कहीं पर कोई बात नहीं है, तो ये बात कहीं ना कहीं तो है ही है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर मायावती के साथ है, मायावती की खुलकर आलोचना नहीं होती है। अमित शाह बाकायदे चुनाव के उस दौरान भी मायावती की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, उनका तो अपना वोट बैंक है। दूसरी चीज, सपा के जमाने में स्मारकों की जो बदहाली हुई उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश से नहीं बात की गई, आज योगी आदित्यनाथ से भी बातचीत की, इन्हें कहीं ना कहीं तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर है ही है। मानी डॉक्टर साहब, ये हमने देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी के समय जो बदहाली थी, जो गुंडा राज था, माफिया राज था, उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल एक जात और एक धर्म विशेष के लोगों का कार्य होता था। मैं इस समय वो बात ना करूं, मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये आदमी में आम जनमे है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी का जो है मायावती के प्रति है, इसीलिए आज वो जाकर के सतीश मिश्रा जाकर के स्मारकों की बदहाली को दूर करने की मांग करते हैं, मायावती भी ये बात कहती है, तो ऐसा है तभी तो वोट मिला पूरी तरीके से बीएसपी का बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरे देश की जनता एवं प्रदेश की जनता को पूरी उम्मीद थी, जिसके कारण आज विपक्षी पार्टियां भी अपना आवेदन, प्रतिवेदन एवं जो है प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि उनको विश्वास है कि अगर हम अपनी समस्या अगर योगी जी से कहेंगे तो वो हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ठीक बात, मेरे सागर जी आपने सुना सोनकर जी को कि किस तरीके से बता रहे हैं कि आज एक नया युग है उत्तर प्रदेश में, विपक्ष को भी अब योगी आदित्यनाथ पर विश्वास है, इसीलिए अब आवेदन लेकर के लोग जा रहे हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज पार्टी की दुर्दशा किसके कारण होती है। अरे तो गरम सीएम बन जाएंगे भाई, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, वो पीएम की बात कर रहे हैं, मायावती जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज ये पार्टी की दुर्दशा किसके कारण हुई है। मेरा पूर्ण रूप से मानना है कि आज जो आज बहुजन समाज पार्टी आज इस हाशिए पे है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। क्योंकि भारत, मैं तो शुरू से भी कह रहा हूं, इसके पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार कह चुका हूं कि चुनाव के पहले कुछ ना कुछ डील अवश्य रही है भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में। आज क्या आवश्यकता पड़ी, जब जुलाई में राष्ट्रपति जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके एक माह पहले आप स्मारक को लेकर आप जाते हैं और वहां पे कहते हैं, एक स्मारक का बहाना लेकर जाते हैं, कहते हैं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आया हूं कि आज स्मारक इस बदहाली पे है। 5 साल कहां थी बहुजन, ये सतीश चंद्र मिश्रा जी 5 साल कहां थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो स्मारक बहुजन समाज पार्टी ने बनाई थी, वो स्मारक धूल धूसित हो रही थी, वहां पर उसकी दुर्दशा हो रही थी, तब कहीं पर भी
बहुजन समाज पार्टी को याद नहीं आया। जब चुनाव नजदीक आते हैं अब उनको मालूम है, ये कहीं ना कहीं मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ डील जरूर है, जिसके कारण आज ये लोग वहां पर मिल रहे हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी सदैव दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सामान्य लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम लोगों ने, आज हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन आज हम 47 से, पिछले चुनाव में हमारी सीटें 47 थी, आज हम 125 सीटों पर आकर यहां पर हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गर्व से कहती है कि मैं प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल किया हूं, आज जनता ने एक तरह से इनको नकार दिया है। जहां पर इनकी सीटें बहुत ज्यादा थी, 300 प्लस सीट थी, आज उनको समेट कर बिल्कुल आपने सही कहा। इंजीनियर अंकित, जरा ये मुझे बताइए, आपने भी बीजेपी की बात सुनी, सपा की बात सुनी, और लगता है कि सीधे सीधे मिली भगत की बात की जा रही है, लेकिन एक बार बार एक कहता है शब्द डील, कि डील हुई, डील हुई, अब डील क्या हुई? अब वो तो अखिलेश कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बनाने के, भैया इनको बना दो, अब तो अब क्या, आप तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैं इसको डील का भी शब्द नहीं देना चाहूंगा। और हाँ, उत्तर प्रदेश में जो आज समाजवादी पार्टी के और जो बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसकी भूमिकाओं पे जो सटीक अगर मंथन करना है तो उसको थोड़ा सा बहुत गहराई में जाकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मायावती जी का जो आज, सतीश मिश्रा जी का और उनके जो एकलौते विधायक हैं, उनका आज जो ये वक्तव्य आया है कि वो स्मारक और पार्क को लेकर जो है उसको विषय को लेकर उनसे मिलने गए थे योगी आदित्यनाथ जी से, असल में ये पार्क और स्मारक एक बहाना है। असल में जो सीबीआई के शिकंजे में फंसे हुए भाजपा के जो शीर्ष बसपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उनको जो है आरएसएस और भाजपा के समक्ष घुटने टेक कर चुनाव लड़ने की अनुमति का एक लेने का एक बहाना है। ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़ा, दलित और जो उपेक्षित समाज है, जो एक बड़ी आशा की उम्मीद के नजरिए से जो है दो नेतृत्व को देखता चला आया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व रहा हो, चाहे वो बसपा का नेतृत्व रहा हो, इन दोनों से बड़ी उम्मीद जो है पिछड़े समाज के और उपेक्षित समाज के लोगों को रही है। लेकिन इसको गहराई से, मैंने डॉक्टर साहब आपसे कहा कि इसको समझने की जरूरत है, आप समझिए कि किस प्रकार से आज जो है बसपा के और समाजवादी पार्टी के खुद जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने लोगों को सही से संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं भाजपा से, वो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। चाहे बात आप कर लीजिए आजम खान साहब की, चाहे आप बात कर लीजिए बहन जी की, बहन जी का क्या किरदार रहा पिछली बार विधानसभा के चुनाव में? हमारे इतने काबिल और इतने जो है, मैं देख रहा हूँ विजय सागर साहब जो है, वो देखिए खुद भी जो है आज उनको जो है इतना बसपा के वरिष्ठ नेता कहलाते थे और हम सब लोग उनको सुनते थे और उनके विचारों पर जो है हम लोग विचार करते थे, आज उनको भी विवश होकर देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ जाना पड़ा। तो मायावती जिस प्रकार से आज सीबीआई के शिकंजे में फंसी हुई हैं, अखिलेश यादव जो भाजपा और आरएसएस के सामने हथियार डालकर बैठे हुए हैं, ये दोनों आपस में खींचातानी में लगे हुए हैं, और जनता भी समझ रही है उत्तर प्रदेश की कि ये दोनों जनता को कुछ दे नहीं सकते। ठीक बात। तो इस वजह ये आरोप और प्रत्यारोप है, इन दोनों ने सरेंडर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के। और एक बात मैं और भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, भाजपा के हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं शिवप्रसाद सोनकर जी, उन्होंने भी अपनी बात में कहा कि पिछले लंबे समय से जो दलित वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है वो बड़ा जो है आशा की जो है भाजपा की तरफ देख रहा था, आप वो मुझे स्पष्ट कर दें कि आप देखिए कि इसी भाजपा के कार्यकाल में हाथरस जैसी जो है जघन्य घटना हुई, इसी ही भाजपा के कार्यकाल में सोनभद्र में किस प्रकार से नरसंहार हुआ, ये कैसा दलित प्रेम था। और एक सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ी बात मैं खत्म कर रहा हूँ, एक सबसे बड़ी बात भी ये भी समझ लीजिए कि आज भी कथित तौर पर जो अजय सिंह बिष्ट है वो जब भी दलित वर्ग से मिलते हैं तो उससे पहले की क्या प्रक्रिया होती है, उससे पहले उनको साबुन और शैंपू भेंट करने की भी हम लोगों ने तस्वीर देखी है। तो ये ना कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ने जो है दलित वर्ग के लिए कुछ ऐसा कर दिया है, उन्हीं के ही शासनकाल में हम दलितों के विरुद्ध जो है इतने जघन्य अपराध देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किस तरह की भावनाएं देख रहे हैं। आपने सुना सुनकर जी, अंकित ने कई आरोप लगाए, एक तो ये कहा कि किस तरीके से दलितों के साथ
अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरी ये भी बार बार कह रहे हैं कि इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन मैं एक तीसरी बात कहना चाहता हूँ। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज मायावती ने एक बात कह दी कि मैं सपना सीएम का देख रही हूँ, पीएम का भी देख रही हूँ, माने आपके लिए खुली चुनौती। आप चाहे कुछ भी कहें कि साहब कोई मैदान में नहीं है, उनके पास एक ही सीट आई हो, तो क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में मायावती सीएम और पीएम बनेंगी और ये बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है? ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आज से 20 साल पहले जब मायावती को कोई जानता नहीं था तो भारतीय, जब बसपा की 50 सीटें आती थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, तो उनको दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, ठीक है। तो मायावती को कोई सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो हम लोगों को आरोप लगता था कि वो दलित को सम्मान नहीं करते, तो हम लोगों ने मायावती को मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश के दलित समाज को सम्मान देने का काम किया। लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ? नहीं, फायदा हुआ उसका, फायदा ये हुआ हम लोगों को कि हम लोग जो मायावती मुख्यमंत्री बना रहे थे तो उन्होंने दलित का काम नहीं किया, केवल एक जात का काम किया, तो उससे उत्तर प्रदेश की जो दलित समाज था वो बहन जी का चेहरा समझ गया कि वो केवल एक जात का काम करने वाली है, इसलिए सर्व समाज का काम करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो हम मान लें कि बीजेपी के सामने मायावती खुल करके चुनौती के रूप में है, वो कह रहे हैं हम तो सीएम भी बनेंगे और पीएम भी बनेंगे, माने बीजेपी के जो सीएम है और पीएम है उनके लिए चुनौती है, वो कह रहे हैं हम बनेंगे। उन्होंने भी बता दिया आंकड़ा कि दलित और मुस्लिम दोनों के वोट मिल करके हम बन जाएंगे, क्या कहना है आपका? अब वो अपने समाज को एक संदेश देना चाहती है कि अभी हम मरे नहीं है, अभी हम जिंदा है, अभी हमको वोट दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं, भारत देश की जनता समझ चुकी है कि अगर कोई दलित समाज का सम्मान कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक कानपुर से एक अनुसूचित जाति के, आप बताइए वो सीएम बन सकती है, पीएम बन सकती है, नहीं बन सकती, ये बताइए। वो सपना देख रही है, नहीं, वो सपना उनका मुंगेरी लाल का सपना असीम सपना होगा, वो न सीएम बन सकती है न पीएम बन सकती है। ठीक बात है, बहुत बेहद। अगर एक बात बताइए कि आज मायावती ने एक बात और कह दी, उन्होंने कहा कि अब जो है अखिलेश कभी सीएम नहीं बन पाएंगे क्योंकि इस बार EMI का फैक्टर पूरी तरीके से चला, अब नहीं बन पाएंगे तो फिर कब बन पाएंगे? वो गठबंधन भी देख चुके हैं, गठबंधन में भी वो नहीं कुछ कर पाए, और उन्होंने कहा कि अब तो कहो विदेश भी भाग जाएंगे, ये तक बात आज उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। तो उन्होंने कहा आप सीएम नहीं बन रहा है उनको, तो क्या कहेंगे इस बारे में आपका? देखिए आज जो बहन जी का ये जो बयान आया है दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बयान है। आज मैंने फिर कहा कि उनको फिर से मंथन करने की आवश्यकता है कि आज उनकी पार्टी हाशिए पे कैसे खड़ी हुई है। जब ये जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं मिथ्या आरोप हैं, ये झूठे, इस पे कोई सच्चाई है बिल्कुल निराधार है। बल्कि जब समाजवादी पार्टी से बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था तो बहन कुमारी मायावती जी की सीटें बढ़ी थी और समाजवादी पार्टी ने उदार दिल होते हुए उनको और सीटें दी थी और गठबंधन किया था। दुर्भाग्य रहा कि यह गठबंधन आगे नहीं चल सका। इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में फंसकर बहुजन समाज पार्टी की आज ये दुर्गति हुई है। आज उन्हें दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय आज खुद अपनी पार्टी में ये मंथन करना चाहिए कि आज वो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा उनके लिए हानिकारक है या कांग्रेस पार्टी हानिकारक है या समाजवादी पार्टी वो है। आज उनको चिंतन करना चाहिए। आज यहां तक कि समाजवादी पार्टी की बात है तो आज प्रदेश ने श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज हमें इतनी सीटें दी हैं कि आज हम मजबूती के साथ आज हम लोग विपक्ष में की भूमिका निभा रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो आपका सवर्ण समाज हो, सभी समाज ने हमको आशीर्वाद दिया। कहीं ना कहीं हमसे जो चूक हो गई है
हम लोग उस पर, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर जरूर मंथन कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले जो चुनाव आएगा उसमें पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और श्री अखिलेश यादव जी पुनः फिर मुख्यमंत्री। मेरा एक सवाल आपसे भी जैसा कर, अभी आपने कहा चूक हो गई, क्या चूक हो गई जरा बताएंगे आप? चूक ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये खड़यंत्र है, इस खड़यंत्र को समझने में कहीं ना कहीं लोगों से चूक हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस देश में बरगलाना चाहती है और हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करके कहीं ना कहीं इसको पोलराइजेशन कर देते हैं। और जो हमारा दलित समाज है और जो अन्य समाज जो सवर्ण समाज है उनके बहकावे में आ जाते हैं और उसी के चलते आज जो हम थोड़ी सीटें हमारी कम रह गई वो उसी का परिणाम है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो भी जो दलित समाज के लोग हैं या जो प्रबुद्ध वर्ग में जो सम्मेलन हुए जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, ये पुनः भारतीय जनता सॉरी समाजवादी पार्टी में पुनः विश्वास जताते हुए और इस भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम क्यों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप मैं इस चैनल के माध्यम से विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में आपने कानपुर शहर के अंदर हजारों लाशों को आपने पड़े हुए देखा है, यही भगवत दास घाट था, यहीं पर सारे घाटों पर लाशें कैसे पड़ी हुई थी, यहाँ का नौजवान जो था वो बेरोजगार हो गया था, उनकी नौकरियां छिन गई थी, यहाँ जो रोज ठेला वाले थे जो खुमचे वाले थे उन्हें सारे व्यापार छिन गए थे। लेकिन जब आज यहाँ के सारे कल प्रतिष्ठान इन्होंने निजीकरण कर दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि इन्होंने हमारे नौजवानों को इतने रोजगार दिए हैं, हमारे लोगों को ये किया है। एक मिनट सागर जी, अंकित जरा मुझे ये समझाइए कि मायावती जैसे बीजेपी को कटघरे में रखती है, सपा को कटघरे में रखती है, वही कांग्रेस के प्रति भी उनकी कोई जरा भी मुरवत नहीं दिखती है। बहरहाल यहां तक हुआ कि अभी हाल में ये कहा गया कि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की ओर से कि हम चाहते थे कि गठबंधन हो जाए बसपा से, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया। इसका जवाब इतने करारे तरीके से दिया मायावती ने कि लोग सुनकर क्या वाक रह गए। क्या मतलब क्या है मायावती का? क्या मायावती आज भी अपने उस वोट बैंक के आधार पर खुली चुनौती लोगों को दे रही है? क्या उनके पास वोट बैंक रह गया है क्या? जी देखिए डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बात में आपको पहले भी बताया जी कि पिछले के मायावती जी के जो भी किरदार रहे हैं, जो उनकी भूमिका रही है, उस भूमिका को यदि हम गहराई से चिंतन करेंगे तो उनका पूरा चरित्र जो है वो हम लोगों के सामने उजागर हो जाएगा। मायावती जी ने पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। पूरे चुनाव में जनता जो विपक्ष की तरफ देख रही थी, जो उनका एक दायित्व था जनता की आवाज बनना, जो उनकी परेशानी थी उसका करना, तो उस समय तो उन्होंने 2017 के चुनाव में हथियार डाल दिए। उन्होंने तो जनता के बीच में जाके ना जनता की आवाज उठाई, ना उनके संघर्ष में कहीं शामिल हुई और ना सत्ता पक्ष के खिलाफ एक शब्द बोला। जो कुछ भी बोला वो कांग्रेस के विरुद्ध बोला, जो कुछ भी बोला उन्होंने जो विपक्ष में लोग लड़ रहे थे उनके विरुद्ध बोला। तो मायावती जी का तो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहा है इसका भी पूरी तरीके से मैंने आपको जो है स्पष्ट कर दिया है कि आज मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जंजीरों में जकड़ रखा है। आज वो जो चाहेंगे वो मायावती जी से। मुझे समझाइए कि जो ये सीएम का और पीएम का जो सपना देखा है मायावती, कह रहे कैसा कि सपना, ये कैसा सपना है? ये 2017 हम सीएम बनेंगे, 2017 कैसे कैसे सीएम बन जाएंगे? जब 2017 के चुनाव में हथियार डालकर घर के अंदर बैठी हुई थी, सारे टिकट जो है उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बेच दिए थे और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जानते हैं कि वो टिकट बेचने का काम करती है, टिकट खरीद कर लोग अपने अपने घरों पर बैठ गए और बसपा को इतना जो है इतनी गर्द की स्थिति में पहुंचा दिया पार्टी को। तो ये काम तो मायावती जी ने किया, और किसके किसके इशारे पे किया है, किसके उस पे किया, ये आरएसएस और भाजपा के उस पे किया। तो ये कैसे सीएम बन जाएंगे जब आप जनता के बीच में जाना ही नहीं चाहते जनता की? अच्छा मान लीजिए चली जाएंगी जनता के बीच, मान लो जाएंगे तो सीएम पीएम तो बन जाएंगे फिर? नहीं तो? जाना चाहिए, उसका समर्थन हम लोग करते हैं, एक बड़ा वर्ग है जो उनकी तरफ देखता है, उनसे अपेक्षा रखता है, उनको जाना चाहिए, उनको जो है जनता की आवाज उठानी चाहिए। आपसे भी एक सवाल हम पूछ लेते हैं, क्या सीएम पीएम
मायावती बन जाएगी। देखिए सपने देखना, हाँ सपने कोई भी देख सकता है, हाँ लेकिन मैं अंकित जी की बात से सहमत हूँ, हाँ कि उन्हें कम से कम मैदान में आकर संघर्ष करना पड़ेगा। आज जो भी राजनीतिक पार्टी, आज जो उन्होंने तो हथियार डाल दिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने पूर्ण रूप से हथियार डाल दिए। आज तक उन्होंने कहीं पर भी किसी भी रैली में, जो माया बहन कुमारी मायावती जी अपनी आक्रामक रैलियों के नाम से वो जानी जाती थी, उन्होंने एक भी रैली नहीं की। उन्होंने कहीं पर भी रैली के माध्यम से कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो भी सत्ता पक्ष होता है, कम से कम सत्ता की जो खामियां होती है उनको उजागर करने का काम होता है, यही विपक्ष का काम है। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी ने निश्चित रूप से अपनी विपक्ष की भूमिका को नहीं निभाया। आज इसी कारण से आज जो दलित समाज है या पिछड़ा समाज है या जो सभी सर्व समाज है, आज उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को नकार दिया, क्योंकि उन्होंने जनता की बात को लाकर सामने नहीं रखा। ठीक बात है। हम यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मायावती की दिशा और दशा की, पहले दशा फिर दिशा, और ये चर्चा भी हो रही है कि कहीं ना कहीं बार बार इस बात की बात आ रही है कि डील है। हालांकि बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है और वो सीधे तौर पर भाजपा और कांग्रेस को एक ही तराजू पर रखती है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे सोनकर जी कि मायावती क्या वास्तव में तमाम ऐसे मुद्दों में फंस गई है या उनमें ऐसी कुछ घबराहट है या उनके ऊपर जिस तरीके के सिकंजे हैं जिसके कारण वो खुल करके राजनीति नहीं कर पा रही है, क्या ये बात सही है? ऐसी बात नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और बसपा का पुराना संबंध रहा है, दो बार हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और एक बार समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनी थी। उसमें जब पहली बार सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको मारने पीटने का काम एवं कपड़े फाड़ने का काम किया। तब से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और बहन मायावती जी डरी हुई है समाजवादी पार्टी से, जिसके कारण जो है लोग कह रहे विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बीजेपी उनको डरा रही है। बीजेपी उनको कतई डरा नहीं रही है बल्कि वो विपक्षी पार्टी से डरी हुई है और मायावती विपक्षी पार्टी से डरी हुई है। बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहा है उनको डराए हुए सॉफ्ट मायावती जी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रही है, तो बीजेपी के ही एक पदाधिकारी वरिष्ठ पदाधिकारी ब्रह्म द्विवेदी ने उनकी जान बचाने का काम किया, तो उसी बदले मायावती की जान बचाने के कारण आज भी बीजेपी से विपक्ष के लोग सहमति रखते हैं कि बीजेपी एक पार्टी है जो सबको साथ और सबका विकास लेकर। मैं आपकी बात समझ गया। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि मायावती पर ये जो सीधा सीधा आरोप लगता है कि उनके ऊपर करप्शन के इतने आरोप हैं, सीबीआई शिकंजे में लेना चाहती है, क्या आप ये मानते हैं कि मायावती पर किसी प्रकार का करप्शन का कोई आरोप नहीं है और किसी प्रकार की कोई सीबीआई की बात नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत है? जो उनके ऊपर आरोप है उनके मुकदमे चल रहे हैं और वो मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन है, उनकी जो है समय अनुसार कार्रवाई होगी और वो न्यायपाल का काम है, उसमें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि सीबीआई की जांच में है, अभी तो कोर्ट में तो कोई मामला नहीं गया, अभी तो सीबीआई की ही जांच में है, उनके भाई के यहाँ छापा पड़ी चुका है, सब कोई जानता है और वही स्थिति तो है अभी भी बनी हुई है। सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो निष्पक्ष जांच करती है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। लेकिन ये आप मानते हैं कि मायावती पर इस तरीके के आरोप है और उन पर सीबीआई अपना काम कर रही है, ये मानते हैं आप? हाँ, सीबीआई अपना स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही है। तो फिर आप इसको डर नहीं मानते हैं और आप विपक्ष के लोगों का डर मानते हैं, ये भाई तो समझने आई बात। भाई डर तो इस बात की होगी कि भाई सीबीआई हमको शिकंजे में ले लेगी, हमको गिरफ्तार करेगी, हमारा वो करेगी, विपक्ष वाले बेचारे क्या करेंगे, इनको इनके पास क्या धरा है? अच्छा, जहां तक आप बार बार कहते मार रहे मार, तो उसके बाद तो अपनी सरकार भी बना चुकी है।
और फिर तो सपा से बसपा से गठबंधन भी तो हो चुका है, और उस समय मुलायम सिंह साथ में थे, सारी बातें कहा था ये सब भूल गए हैं, तो ये तो सब कुछ हो चुका है। नहीं, उसमें भी मायावती जी को धोखा देने का काम किया गया था कि उनके जो एमएलसी बनने थे तो वो उनके समाजवादी पार्टी ने अपने एमएलसी बना लिए, लेकिन मायावती के जो दो एमएलसी बनने थे वो क्रॉस वोटिंग करा दी गई थी, और बाद में जो आरोप लगा दिया कि वो हमसे कोई मतलब नहीं है, कुछ कार्यकर्ता है, इसीलिए मायावती बीजेपी के खेमे में चली गई। बीजेपी के खेमे में नहीं, लेकिन बीजेपी से उनको आशा है कि उनके साथ वो न्याय करेंगे। न्याय करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ये बीजेपी से बिल्कुल उनको आशा है। क्या कहेंगे विजय सागर जी? देखिए, अभी हमारे भाई शिव प्रकाश जी ने ये चैनल के माध्यम से कबूल किया है कि बीजेपी को, उनसे बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी से आशा है। तो मैं पहले ही ये कह रहा था कि आपस में अंदर खानी कहीं ना कहीं कोई डील जरूर चल रही है। मैं अंकित की बात से असहमत था। अंकित ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहन कुमारी मायावती जी को सीबीआई, ईडी, अन्य जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका भय दिखाकर आज उनको काम करने से रोक रही है। आज जो जो तमाम ऐसे नेता हैं उस पर सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं उनके यहाँ रातों रात ईडी का छापा पड़ जाता है, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाता है, इसके उनके यहाँ पर सीबीआई का छापा पड़ जाता है, इससे पहले सब शांत रहता है, जैसे ही चुनाव आते हैं या भारतीय जनता पार्टी की बात को नहीं माना जाता है, जो उनसे अपेक्षाएं वो विपक्ष से करते हैं उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा देते हैं, इसके बाद उसका डर दिखाकर, भय दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना करते हैं। ये लोग संवैधानिक पदों का भी ये लोग दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। नीरज अगर आरोप आप पर भी है, और ये कहा गया कि मुलायम सिंह पर बाकायदे शिकंजा कसा हुआ, लेकिन मुलायम सिंह ने भी खास तौर से नरेंद्र मोदी से सॉफ्ट कॉर्नर बना करके, और अभी जैसे शिवपाल कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा सम्मान मुलायम सिंह का करते हैं, कहते हैं कि वो उससे बचे हुए हैं, बल्कि ये तक मायावती ने कहा कि अभी हाल में कि मुलायम परिवार से जो एक सदस्य बीजेपी में गए हैं, मैंने उनका सीधा अपर्णा यादव होगा, वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजे गए हैं। ये सब बात तो सीधे सीधे आप पर भी वही आ रही है, क्या इस प्रदेश में अब ये स्थिति होगी कि बीजेपी अपने ढंग से काम करेगी और काम कराया जाएगा? पहली बात तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो मुखिया हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी जो हैं उनका कुछ रहा वो है, मैं इस बात का खंडन करता हूं। रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बात, तो मैं आपको ये चैनल के माध्यम से बड़े विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूं कि हम समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। ये हमारे पीछे कुछ भी कर ले, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम लोग न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ऐसे हथकंडे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करके और जनता के बीच फिर जाएंगे, और जो इन लोगों ने जो सीबीआई का डर फैला रखा है, ईडी का डर फैला रखा है, इससे समाजवादी पार्टी के लोग किंचित मात्र भी भयभीत नहीं है। हम लोग जनता के बीच जाकर इनकी जो खामियां है उसको उजागर करेंगे, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो अगला चुनाव आएगा उसमें हम समाजवादी पार्टी के लोग निश्चित रूप से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, अंकित एक बात ये भी है कि प्रियंका गांधी भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक बात कहती थी कि ये लोग सड़क पर नहीं निकल रहे, और वो बीएसपी के लिए भी कहती थी और सपा के लिए भी कहती थी, और उसमें भी वो एक शब्द लगा देती थी कि सीबीआई का डर, ईडी का डर, इस कारण ये लोग जनता के हित में सड़क पर नहीं उतरते। क्या
उत्तर प्रदेश की राजनीति आज इसी मोड़ पर आ गई है। विपक्ष डरा हुआ है, दहशत में है, और वो जनता के लिए जो उसको कार्य करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा। देखिए, अपनी बात को शुरुआत करने से पहले मैं जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बोला कि प्रियंका गांधी ने ऐसी बात बोली थी, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं कि जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जब प्रियंका गांधी जी को प्रथम दायित्व महासचिव के तौर पे दिया गया, उत्तर प्रदेश का प्रभारी उनको बनाया गया, तो हम सारे कार्यकर्ता प्रियंका गांधी जी के स्वागत के लिए लखनऊ में गए थे, और एक तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रियंका गांधी जी के स्वागत की तरफ खड़ा था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनके हस्बैंड बॉबी वाड्रा को 8 घंटे तक बिठा के रखा था ईडी और सीबीआई के द्वारा, उनसे पूछताछ की जा रही थी। तो आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने जो है ये कोशिश नहीं करी थी, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कोशिश नहीं करी थी कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डरा ले, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस जो है वो गांधी परिवार के साथ चलती है, और गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो किसी से डरता नहीं है। ठीक है, वो सीबीआई से तो कतई नहीं डरने वाला, वो ईडी से तो कतई नहीं डरने वाला। अब मैं आता हूँ, मैं देखिए बहुत आदर करता हूँ, हमारे दोनों पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ईमानदारी से एक बात भी कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। मुलायम सिंह जी ने सदन के अंदर खड़े होकर क्या कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि दोबारा वो प्रधानमंत्री बने। अब बताइए कि समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे बैठे हैं विजय सागर भाई, कि वो इस वक्त के क्या अपनी राय रखेंगे? क्या आप भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता मुखिया हमारे हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा कि पुनः जो है उनकी वापसी होनी चाहिए, तो ये वक्तव्य कहाँ से आता है? अब देखिए, मायावती जी का ले लीजिए, मायावती जी के पर जैसे ये सीबीआई के सिकंजा कसा गया, उन्होंने पूरा विधानसभा का चुनाव छोड़ दिया, उन्होंने जो है पूरा जो है दलित वर्ग छोड़ दिया, पूरा उपेक्षित समाज छोड़ दिया, ताकि जो है भारतीय जनता पार्टी खुल के चुनाव लड़े। उन्होंने इस तरह किया, कांग्रेस को भी डराने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस ने हथियार नहीं डाला आज जो, और सिर्फ हथियार डालने की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हथियार डालने की बात नहीं है डॉक्टर साहब, ये समाजवादी पार्टी के या बसपा के जो नेता हैं, इन्होंने सिर्फ हथियार नहीं डाला, असल में इन्होंने उस समाज पे, जिस समाज पे इनका विश्वास था, उस समाज को, भारतीय जनता पार्टी को खुला मौका दिया है कि उस समाज के ऊपर अत्याचार करे, और तभी ना देखिए ना इस तरह की घटना हो जाती है, तभी ना वहां पे सोनभद्र में नरसंहार हो जाता है, वहां पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को कैसे खुलेआम मारा गया, कैसे नरसंहार किया गया, कैसे हमारे जो है हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसको जिंदा फूंकने की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो ये भी तक कह दिया था कि क्या नाम है, वहां बलात्कार तक नहीं हुआ, अगर उसकी सीबीआई जांच ना होती, अगर उसमें जो है सारी, तो क्या मान ले कि यूपी में स्पष्ट है कि बसपा और हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिया है, इनके समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसके जिम्मेदार भी ये लोग हैं, और उसकी लड़ाई कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है। सोनका जी, अंकित ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हाँ मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। सोनका जी, ये जरा मुझे, अच्छा पहले हम विजय सागर की बात सुन ले, फिर मैं, हाँ विजय सागर क्या कहना चाहते हैं आप, पहले कह लीजिए। अभी हमारे छोटे भाई अंकित अभी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी और नव बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर हथियार डाल दिए हैं, तो मैं भाई को बड़े विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम लोग रथ लेकर निकले थे, आज उनकी संघर्ष की बदौलत आज ये कांग्रेस ये बात कर रही जो आज हाशिए पे है, कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की आज जरूरत है, कांग्रेस को आज आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आज दलित समाज उनसे क्यों आज छिटका, आज जो ये सवर्ण समाज है, जो प्रबुद्ध वर्ग समाज है, जिन्होंने आज 70 वर्षों से इस देश में राज किया, जहां पर इनकी सरकारें थी, आज ये सिमटते कैसे चले गए, आज कांग्रेस की दुर्दशा कैसे हुई, आज कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि चाहे वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी रही हो, राहुल गांधी जी रहे हो, आज दोनों जो के नेतृत्व को आज प्रदेश की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है, आज उसको बिल्कुल धरातल पे कर दिया है, और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज यहाँ का जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, जो सवर्ण समाज है, वो एक मुखर बिंदु की तरफ देख रहा था, और उसी का आज नतीजा है कि हम 47 पे थे और आज हम जाकर 125 पे हमारा गठबंधन टिका हुआ है, हम लोग 122 सीटें जीत कर आए हैं, और आज कांग्रेस की दुर्दशा है। अब सुन लीजिए अंकित, मैं उत्तर दे देता हूँ। देखिए,
ये बात सही है कि जो हमारे बड़े भाई ने बोला है वो समाजवादी पार्टी के जो है इस समय जो है पक्ष के रख रहे हैं और उनका जो है ये दायित्व है कि वो समाजवादी पार्टी का पूरा प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन विजय भाई ने अभी तक मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मुलायम सिंह जी के उस वक्तव्य का खंडन नहीं किया या समर्थन नहीं किया। उन्होंने सदन के अंदर ये खड़े होकर कहा था कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हैं और पुनः उनकी वापसी की दुआ करते हैं। उस पे भी आपका एक जवाब चाहिए मुझे। आप ये भी बताइए कि पिछले विधानसभा के चुनाव में जनता के किस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी या उनके मुखिया जो अखिलेश यादव हैं वो संघर्ष कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे जरा बता दीजिए। उन्होंने कहाँ पे संघर्ष किया था, क्या वो कहाँ पे गए थे? वो हाथरस चले गए थे, वो सोनभद्र चले गए थे, या फिर वो जो है कहाँ चले गए थे, किस मुद्दे पर उन्होंने लड़ाई करी? वो तो जमीन पे उतरे ही नहीं, वो तो जमीन पे उतरे ही नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी पे एक लोगों का भरोसा था, एक विशेष समुदाय का भरोसा था, कुछ लोगों का भरोसा था। उस भरोसा को उन्होंने सोचा था कि अखिलेश के साथ जाएंगे तो जो है हमको न्याय मिलेगा, और उन्होंने जाके आज उनके जो है पूरी तरीके से उस भरोसे को तोड़ दिया गया है। और आज उनको ये विश्वास हो गया है कि जो समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है या बसपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ खड़े होने से उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो आज सभी लोग जो है कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और कांग्रेस में ये बात पूरी जिम्मेदारी से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि दोनों हमारे पैनलिस्ट हैं, आप चाहें तो इसका खंडन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर यदि किसी भी मुद्दे पर कोई लड़ाई लड़ रहा था वो प्रियंका गांधी लड़ रही थी। प्रियंका गांधी ने लड़ाई लड़ी। एक बिल्कुल आपने शिवराज सुनकर क्या आपको लग रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जैसा कि कहा जा रहा सपा बसपा कांग्रेस, कांग्रेस तो कहीं है नहीं, सपा बसपा ने हथियार डाल दिए, माने आपके सामने अब कोई विपक्ष रह ही नहीं गया है, विपक्ष पूरी तरीके से कुंद हो गया है। और स्थिति ये है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी सरकार चलाने के लिए अपने से ही प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, और वो जो 5 साल जो पहले के गुजर गए हैं उनमें जो खामियां थी अब इस बार उसको दूर कर रहे हैं। विपक्ष का कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको देख करके या सुन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ विचलित हो या कुछ करे। अब उनके सामने विपक्ष बिल्कुल सफाया है और वो अपनी प्रतिस्पर्धा के साथ सरकार चला रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अभी हमारे मित्र ने बताया, अंकित इंजीनियर साहब ने एवं हमारे समाजवादी पार्टी के विजय सागर जी ने बताया कि इंजीनियर साहब ने बताया कि मुलायम सिंह यादव ने सदन के अंदर कहा मोदी जी से कि देख लीजिएगा हमारे बच्चे को। और लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो हमने पूर्ण भ्रष्टाचार किए हैं, जो हमने घोटाले किए हैं, वो चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जब घोटाला करेंगे सीबीआई ईडी अपनी जांच करेगी, और जब वो फंसेंगे तब कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी द्वारा लगाए गए सब में कांग्रेस के नेता बरी हो गए। ये भी आपको जान लेना चाहिए, चाहे 2G हो, कोलगेट हो, जितना भी हो, सब में जो है क्लीन चिट मिली है न्यायालय से। और ये जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया था, जिन्होंने किया है वो डर के बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस इसलिए जनता की लड़ाई लड़ रही है। अभी कई बताया कि राहुल बाड़रा जी है उनको जांच में बैठाला गया, कहीं ना कहीं घोटाला जब करेंगे, कहीं कहीं भ्रष्टाचार करेंगे, तभी सीबीआई यदि घोटाला हथियार डाल देते हैं। हथियार नहीं डाला क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पे हम सोनकर जी, अब क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कोई नहीं है? और थोड़ा बहुत है भी, जैसे मान लो यादव वोट बैंक है, उसको अपनी ओर मिलाने के लिए, रिझाने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। अभी देखिए विधान परिषद में 3 यादवों को टिकट दे दिया गया। रमेश यादव विधान परिषद के जो पूर्व सभापति थे, जो सपा के बहुत कट्टर थे, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। सुभाष यदुवंशी को टिकट दे दिया गया। वहीं दूसरी ओर आजमगढ़ में टिकट दे दिया गया। माने वहां पर भी काम चल रहा है कि जो कुछ थोड़ा बहुत है उसको भी अपनी ओर ले लो, बिल्कुल मैदान सफाया। क्या भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका समायोजन इस पार्टी में है, जो जितना काम करेगा उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। तो इसी परिपेक्ष में जो है जो यादव समाज के लोग पार्टी में काम कर रहे हैं उनको स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी। देखिए मेरा ये सवाल का जवाब तो दीजिए कि कोई है नहीं मैदान में मुकाबले में कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की राजनीति कर रही है, इसलिए विपक्ष का कोई काम रह नहीं गया। कोई आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा, यही इनका काम है। ठीक बात है। क्या विजय सागर आप इसको मानते हैं कि आज जो है विपक्ष जो है योगी सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं रह गया?
बिल्कुल नहीं, मैं इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। आज विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल समझता है और उसका निर्वहन कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी लोकसभा की सीट से त्याग पत्र देते हुए विधानसभा की सीट पर को उन्होंने चुना और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जो जनता की आवाज है, जो भारतीय जनता पार्टी जो जनता की आवाज को दबाना चाह रही थी, जो गरीबों मजलूमों पिछड़ों की आवाज को दबाना चाह रही थी, आज उनकी आवाज बनकर सदन में यानी विधानसभा में उठाने का काम श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी लोकसभा की सीट को त्याग कर उन्होंने विधानसभा की सीट को चुना। मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूं कि आज किसी भी समाज को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग लोकतांत्रिक तरीके से और बड़ी मजबूती के साथ आज विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नाकामियां होंगी उसको समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। विपक्ष में कौन कौन है जरा बताएंगे आप? विपक्ष में जो चुनौती दे रहा है, विपक्ष में कौन है इस समय? आज वर्तमान समय में केवल अखिलेश यादव जी ही एक समाजवादी पार्टी है जो केवल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है, चाहे वो कांग्रेस के हमारे साथ ही रहे हो, कांग्रेस के लोग हो। आज उन्होंने हथियार डाल दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने उसमें, और बहुजन समाज के पार्टी के लोगों ने भी आज स्वागत हो गए हैं जाके उसमें। आज उन्होंने हथियार डाल दिया। आपको लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है पूरी तरीके से लगभग सफाया है? अब कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और कांग्रेस ही मुख्य भूमिका में आएगी, क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल यही पूरी तरीके से कहानी स्पष्ट है कि जब समाजवादी पार्टी के और बसपा के नेताओं ने हथियार डाल दिया। और देखिए एक चीज यहाँ पे और भी समझिए, यहाँ पे जैसे समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो खुद का घर तो संभाल नहीं पा रहा है। शिवपाल जी नाराज चल रहे हैं, आजम खान साहब जो है साथ नहीं रहना चाहते, इस्तीफों की घड़ी लगी हुई है। ये कैसा नेतृत्व है, ये बहुत मुश्किल में है। और जनता जो इनसे अपेक्षा रखी थी, जनता जो इनपे इनकी ओर देख रही थी, आज वो कांग्रेस की तरफ देख रही है, जान रही है कि उत्तर प्रदेश करी है। एक लाइन में इसका उत्तर उन्होंने कहा है कि आप तो खुद ही मुश्किलों में फंसे हुए हैं। जो जिनके घर खुद शीशे के दूसरों में पत्थर फेंकने की बात कह रहे हैं, इनसे सचिन पायलट संभाले नहीं गए, इनसे जितिन प्रसाद संभाले नहीं गए, इनके घर में ही टूट है, आज इनके घर में ही टूट है। और वही जाकर भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं आज। और हमारे नेता सचिन पायलट और जितिन प्रसाद, देखिए ना, जितिन प्रसाद जी धन्यवाद और बी एस सागर जी और आपको अंकित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से एक दशा और दिशा दोनों की ओर बात की है। निश्चित रूप से फिलहाल तो यही दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष बहुत ही जीर्ण शीर्ण है, बहुत कमजोर है। अब हो सकता है कि अखिलेश जी है, लेकिन अखिलेश जी भी इस समय मुश्किलों से घिरे हुए हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/